आज मैं आपको बताने वाला हूँ आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट कैसे लोड करें। तो जब आप वैक्सीनेशन करा लेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, जो भी नंबर आपने वैक्सीन के समय दिया था वो मैसेज आएगा JDNHPSMS के नाम से, और यहाँ पर लिखा रहेगा जो भी आपका नाम है वो, डियर यू हैव सक्सेसफुली बीन वैक्सीनेट विथ योर फर्स्ट डोज, जो आपने जो जिस टाइप का दवाई लिया कोवैक्सीन और ये कोवशील्ड। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करना है, जो मैसेज आएगा उस पर लिंक भी दिया रहेगा, बस इस लिंक पे क्लिक करना है और ओपन कर लेना। जब आप ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर में आएगा रजिस्टर्ड या साइन इन योर सेल्फ, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको मांगा जाएगा, तो आपको वो नंबर मोबाइल नंबर देना है जो आप वैक्सीन लेते समय मोबाइल नंबर वहाँ रजिस्टर्ड करवाए थे, तो मैं वो नंबर यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ और गेट OTP पर क्लिक कर देंगे, आपके पास OTP आ जाएगा, OTP में हम से वेरीफाई कर लेंगे। C1 और वेरीफाई एंड प्रोसेस्ड, जैसे आप ये क्लिक करेंगे आपका नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, और आप क्या करना चाह रहे हैं, सेकंड डोज के लिए आप अपना शेड्यूल करना चाह रहे हैं या सर्टिफिकेट लोड करना चाह रहे हैं। तो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं सर्टिफिकेट पे क्लिक कर लूँगा, कुछ टाइम प्रोसेस लगेगा और सर्टिफिकेट आपकी जो है डाउनलोड हो जाएगी। PDF में करना चाह रहे हैं और कौन सा फोल्डर में रखना चाह रहे हैं, यहाँ पर दोनों ऑप्शन आएगा, तो डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। ये सर्टिफिकेट हमारा डाउनलोड हो गया, अब मैं इसे ओपन करूँगा। ये देखिए इस टाइप का सर्टिफिकेट आपको बन के मिल जाएगा, यही है कोवैक्सीन सर्टिफिकेट फर्स्ट डोज का। इस टाइप से आप कोवैक्सीन का सर्टिफिकेट आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद कर सकते हैं डाउनलोडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।